आपने देखा होगा मैंने अब तक जो भी वीडियोस बनाई हैं उसमें मैंने अपनी आर्ट जर्नलिंग में मैंने हमेशा जो मुझे राइटर अच्छे लगे हैं मैंने उनके कोट्स को लिखा है। लेकिन आज की वीडियो आपके लिए इतने स्पेशल है क्योंकि जो मैं इसमें लिखने वाली हूँ वो पोएम मैंने खुद लिखी है। जो काम हमारा होगा वो आर्ट जर्नलिंग में होगा और देवनागरी कैलीग्राफी में मैं लिखूंगी। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के कला के नए रंगों को आवाज़ देने का काम शुरू। ये एक ब्राउन पेपर बैग मेरे पास पड़ा हुआ था काफ़ी दिनों से और कुछ सामान इसमें मैं लेकर आई थी तो मुझे लगा कि इससे कुछ बनाऊंगी तो उसको मैंने अपने पास रख लिया था। तो इसी को मैं अपनी स्केचबुक पर फेविकोल के साथ इसको चिपका दूंगी। इस पेपर बैग में मैंने हाथ के साथ रिंकल डाल लिए थे और रिंकल्स डालने के बाद मैंने एक बुक में इसको अच्छे से रख दिया था। एक बुक का पेज ले लिए हैं। सूखे गुलाब के फूल को भी मैं यूज करूंगी। किताब की किसी पेपर पर फेविकोल के साथ मैं इसको चिपका दूंगी। दोनों साइड में मैं इसको चिपकाऊंगी। जो एनवलप कार्ड मैंने बनाया था उस पर भी मैंने फेविकोल के साथ इसको चिपका दिया। इसको मैं खुला रखूंगी। एक लॉन्ग साइज में पेपर को मैंने कट करके उसके ऊपर कॉफी पाउडर को अप्लाई करके मैंने इसको बनाया है और बाद में जब मैं इसको लिखूंगी तब मैं एनवलप कार्ड के अंदर इस पेपर को डाल दूंगी। देवनागरी कैलीग्राफी में मैं इसको लिखूंगी और ये दो नंबर की निब को मैंने यूज किया है। इस पोएम को मैंने कल ही लिखा है, कल शाम को मैंने लिखा था। जब भी आप कुछ लिखे ना तो आप कुछ भी आप लिखे, पोएम लिखे या कुछ आप आर्ट जर्नलिंग में कुछ थॉट्स को अपने लिखना चाहते हैं तो ध्यान रखिए आपके पास ना आसपास आपके शोर ना हो, तब आप अच्छे से लिख पाएंगे। या तो हम जो चाहते हैं वो हमें क्लियर नहीं होता या फिर यहाँ कुछ पूरा ही नहीं होता। तो इन सब के चलते, इस उधेड़ बुन के चलते हर किसी के अंदर ना थकावट होने लगती है। एक जो उम्मीद है ना वो कहीं ना कहीं टूटने लगती है कि नहीं नहीं अब तो नहीं, ये सब झूठ है और ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा ही होता रहेगा, कुछ भी मेरे साथ ठीक नहीं होगा। जैसे धागे होते हैं ना कि उसको सुलझाने की अगर हम बैठे हम सुलझाने की उसको कोशिश करें और बहुत ही उलझा हुआ धागा हो सकता है ना कि धागों को बीच में से सुलझाने की कोशिश कर रहे हो, जो डोर है जो उसका सिरा है उसको वो तो पता ही नहीं है। हाँ पता है बार बार मेरा तुम्हें ये कहना कि सब अच्छा होगा, कभी कभी तुम्हें झूठा लगता है, उलझनों में उलझने मिलती ही हैं। लेकिन जरा तुम देखो, जरा छत पर जाकर या खुली हवा में जाकर, क्या ये झूठ नहीं है तुम्हारा ये मानना कि तुम्हारे साथ सब कुछ ऐसा ही रहेगा जैसा अब है। तुम जरा उन सब से बाहर आने के नए तरीके ढूंढो। मैं आज फिर से तुम्हें कहती हूँ रुको और सुनो मेरी बात, सब अच्छा होगा।
कैसी लगी आपको आज की वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नए काम के साथ, तब तक के लिए बाय।